देश की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है और वजह है एक चिट्ठी और अध्यक्ष पद की कुर्सी। पार्टी के अंदर और बाहर बयानबाजी और कयासों की सियासत का दौर जारी है। अफवाहों की माने तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा पार्टी में बड़े बदलाव चाहता है और उसकी ये शर्त न मानने के हालातों में ये बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के गले की फांस बने इस पूरे मुद्दे की शुरुआत में चलते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली, देश भर में होती उनकी हार और कार्यकर्ताओं के टूटते मनोबल के चलते 23 हताश नेताओं ने, जिनमें कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी और कई पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि अब कांग्रेस में स्वीपिंग चेंज यानी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। निश्चय ही परिवर्तन की शुरुआत सोनिया गांधी के इस्तीफे से होनी थी। कल ये बात मीडिया में लीक हुई जब सोनिया गांधी ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा भेजा। ये बड़ी बात थी और इस बात पर कांग्रेस दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक वो जो किसी भी स्थिति में गांधी परिवार की रहनुमाई में ही कांग्रेस का भविष्य देखते हैं, चाहे वो सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका या रेहान। इस खेमे में कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स यानी मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, एके एंटनी, भूपेश बघेल, अमरिंदर सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे कोर सोनिया ग्रुप के नेता हैं और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्रियों में गुलाम नबी आज़ाद, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा सरीखे नेता हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा। पर आज जब इस वर्चुअल CWC की बैठक में राहुल गांधी की बारी आई, तब राहुल ने पत्र पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस वक्त पत्र भेजा गया उस समय सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी। पत्र उस समय लिखा गया जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी और इसमें जो लिखा गया उस पर मीडिया के बजाय CWC बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिन्होंने भी ये चिट्ठी लिखी है वो भाजपा से मिले हुए हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस की गैंग वॉर मीटिंग से निकलकर ट्विटर तक जा पहुंची। कपिल सिब्बल ने लिखा, हम भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी का बचाव किया, भाजपा सरकार को गिराने के लिए मणिपुर में पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 साल में कभी भी किसी मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम भाजपा से मिले हो सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट वापस ले लिया। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर भाजपा से साठगांठ वाली बात राहुल गांधी की टिप्पणी सही साबित हुई तो वे तत्काल इस्तीफा दे देंगे। इसी मीटिंग के दौरान पार्टी के ओल्ड गार्ड्स ने साफ कर दिया कि पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के पास ही रहना चाहिए। ये पार्टी को जोड़ने वाली अहम कड़ी है। पार्टी चुनाव की बजाय एकमत से अपना अध्यक्ष चुने। हालांकि चर्चा ये भी है कि इस बार देश भर में चल रहे विमर्श और भाजपा द्वारा की जा रही टारगेटिंग के चलते गांधी परिवार अपने किसी खास को भी अध्यक्ष पद पर बैठा सकता है। अटकलों का बाजार भी गर्म है। ये तय माना जा रहा है कि जो भी चेहरा सामने आएगा वो सोनिया का भरोसेमंद होगा। जिन नामों की चर्चा है उनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अहमद पटेल, महासचिव मुकुल वासनिक, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार सिंधे और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि पिछली बार 1996 में कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति इस सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठा था। उसके बाद 1998 में सोनिया गांधी इस पद पर काबिज हुई। उन्होंने 2017 में अपने पुत्र राहुल गांधी के अवज में पद को छोड़ा, फिर लगातार चुनावी हार के चलते राहुल ने पद से अवकाश ले फिर सोनिया को कार्यकारी अध्यक्षता सौंप दी। आजाद भारत में लगभग 40 साल नेहरू परिवार के सदस्य ने ही पार्टी के ताजो तख्त और लोकतंत्र को अपने अधीन रखा है, जिसके चलते सबसे पुरानी पार्टी का लोकतंत्र भी पुराना, निरंकुश और जर्जर हो चला है। आज नहीं तो कल इसे बदलने की आवश्यकता तो पड़ेगी। पार्टी के भविष्य के लिए न सही तो देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ज़रूर।